हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक केक का वीडियो, जिसमें मैं एग्जैक्टली हाफ के जी केक कैसे बनाया जाते हैं वो दिखाऊंगी एंड उसको कैसे डेकोरेट किया जाता है वो भी दिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिए। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड अगर ऐसे ही वीडियो आपको और भी देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके नीचे मैंने एक वेइंग स्केल रखा है ताकि केक का इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट मेरा सही रहे। आई वुड सजेस्ट आप भी वेइंग स्केल यूज़ कीजिए ताकि आप जब भी केक बनाएंगे आपका मेजरमेंट सही होगा एंड आपका बेकिंग भी सही तरीके से होगा। तो पहले मैं सारे वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। मैंने लिया है कंडेंस्ड मिल्क, कर्ड, ऑयल, वैनिला एसेंस, शुगर पाउडर। उसको अभी हैंड बीटर से बीट करना है करीबन 1 to 2 मिनट। आप देख सकते हो एक स्मूथ बैटर जैसा हो गया है। हम लोगों को ऐसे ही बैटर चाहिए। गाइस, मैं इधर यूज़ कर रही हूँ वैन उटन का कोको पाउडर। आप कोई भी कोको पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो मैं इधर एक छन्नी ले रही हूँ, इसमें मैं कोको पाउडर, मैदा एंड सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स लाइक बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड सॉल्ट, ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने छान लिया है। एंड ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ड्राई इंग्रेडिएंट्स में कुछ लम्स ना रह जाए, इसीलिए इसको छानना बहुत ही ज़रूरी है। एंड इसके बाद मिल्क ले लिया है और उसको 2-3 बैचेस में मैंने हैंड विस्क से मिक्स कर लिया है। ये एक स्टेप आप थोड़ा ध्यान पे रखिए, मिल्क को पूरा एक साथ मत डालिए, 2-3 बैचेस में डालिए ताकि बैटर स्मूथ रहे और इसमें कुछ लम्स ना रह जाए। आप देख सकते हो बैटर का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। और एक बात ध्यान पे रखिए, इस बैटर को ज़्यादा बीट मत कीजिए, इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि अगर ओवर मिक्स कर दिया ना बैटर को तो केक स्पंज थोड़ा चीवी एंड रबरी टेक्सचर हो सकता है। तो ये स्टेप बहुत ही ध्यान पे रखना दोस्तों। इसके बाद मैंने एक हार्ट शेप का टिन ले लिया है जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है एंड उसके नीचे मैंने एक बटर पेपर लगा दिया है। अभी उसके ऊपर मैं केक बैटर को पूरा डाल दिया है। आप देख सकते हो बैटर का वेट कितना आया है। अभी मैं इसको थोड़ा टैप करके प्री हीटेड ओवन में 160 डिग्री सेल्सियस में 20 to 25 मिनट तक बेक करने के लिए रख दिया है। बेकिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है, अभी होगा डेकोरेशन पार्ट। उसके लिए हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ स्टार व्हिप क्रीम, आप कोई भी व्हिप क्रीम यूज़ कर सकते हो। इसके लिए हमें चाहिए 150 ml व्हिप क्रीम, बट मैंने इधर 200 ml व्हिप क्रीम यूज़ किया है क्योंकि इस केक का क्रीम डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा है। नहीं तो 150 ml व्हिपिंग क्रीम से एक हाफ के जी का केक डेकोरेशन आराम से हो जाता है। मेरे पास बहुत क्वेरीज आते हैं कि मैं व्हिपिंग क्रीम में कुछ मिक्स करती हूँ कि नहीं। मैं कुछ भी नहीं मिक्स करती हूँ व्हिपिंग क्रीम में, आप देख सकते हो। इसमें कोई भी शुगर पाउडर या कुछ भी आप भी मिक्स मत कीजिए। आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे तरह से सॉफ्ट एंड स्टेडी हो गया है। आप इसमें से भी कोई भी डेकोरेशन कर सकते हो। इधर मेरा केक बेक करके रेडी हो गया है। अभी तो बहुत ही हॉट है, मैं इसको ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में रख दूंगी थोड़ा ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं एक नाइफ से केक के एजेस को टिन से रिलीज करूंगी बहुत ही ध्यान से। फिर मैं टिन को उल्टा करके डीमोल्ड कर दूंगी। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से ये केक बेक हुआ है, बहुत सॉफ्ट एंड बहुत ही फ्लफी हुआ है ये केक। अभी केक को 3 लेयर्स में कट कर लेना है और केक के ऊपर जो डोम शेप है उसको हमेशा आप कट करके फ्लैट कर लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हाफ के जी केक में 250 ग्राम का केक स्पंज होना चाहिए और 250 ग्राम का लेयरिंग एंड केक डेकोरेशन का क्रीम होना चाहिए। तो आपने देखा होगा मैंने जब केक बैटर लिया था तो उसका वेट था नियर अबाउट 270 to 280 ग्राम्स। तो ये जो मैंने ऊपर का हिस्सा काट दिया था केक का, तो उसमें से निकाल के मेरा अभी केक
स्पंज का वेट रह गया है एग्जैक्टली 250 ग्राम। आप देख सकते हो इधर मैंने बहुत ही फाइनली फ्लैट लेयर कट कर लिया है, जो कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी हम गनाश बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 150 ml फ्रेश क्रीम, इधर मैंने अमूल फ्रेश क्रीम लिया है, एंड 200 ग्राम डार्क चॉकलेट, इधर मैंने प्योर बेल्जियन कोवर्चर चॉकलेट लिया है। आप चाहो तो कंपाउंड चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इधर 1.5:2 रेशियो ऐसा करके लिया है, क्योंकि यही रेशियो केक लेयरिंग में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप केक को कवर करो तो 1:2 रेशियो, लाइक 100 ml फ्रेश क्रीम एंड 200 ग्राम चॉकलेट, इस रेशियो से आपका कवर या फ्रॉस्टिंग अच्छा रहेगा। बट अगर आप केक का लेयरिंग का बात करोगे तो जो मैंने रेशियो यूज़ किया है आप वही यूज़ करो, इसके वजह से केक खाने में बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी मैंने केक बोर्ड ले लिया है, उसके ऊपर थोड़ा चॉकलेट गनाश दे दिया है, जिसके कारण केक हिले नहीं, एंड उसके ऊपर मैंने एक लेयर केक का रख दिया है। अभी मैं केक के हर एक लेयर को हेजलनट मिल्क से सोक करूँगी। आप चाहो तो शुगर सिरप से भी सोक कर सकते हो, बट ये बहुत ही यमी रहता है एंड बहुत ही रिचनेस देता है इस वजह से केक को। तो इसका जो रेसिपी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेक कर लीजिए। इसके बाद मैं डालूँगी चॉकलेट गनाश। मेरा ये चॉकलेट गनाश रूम टेम्परेचर का है, आप चाहो तो अगर इमरजेंसी ऑर्डर है या इमरजेंसी आपको केक कट करना है, डेकोरेट करना है, तो आप चाहो तो कुछ टाइम के लिए आप ये गनाश को फ्रिज में भी रख सकते हो सेट करने के लिए। बट क्लाइमेट अगर उतना भी हॉट ना हो तो आप नॉर्मल टेम्परेचर में कुछ घंटे के लिए रख दो। इधर मैं और एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, केक स्पंज को ज़्यादा भी सोकिंग मत कीजिए शुगर सिरप हो या मिल्क से हो, तो फिर ज़्यादा सॉगी हो जाएगा तो केक खाने में उतना मज़ा भी नहीं आएगा, एंड बहुत कम अगर सोक किया होगा तो उसका टेक्सचर भी थोड़ा बहुत हार्ड हो जाएगा। तो ये पार्ट आपको थोड़ा ध्यान पे रख के करना चाहिए। मैंने इस केक में सिंपल सा एक स्मूथ एंड एक सिल्की सा टेक्सचर दिया है लेयरिंग में। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, रोस्टेड आमंड या रोस्टेड हेजलनट या रोस्टेड कैश्यू, ऐसा भी डाल सकते हो। जो लोग नट्स पसंद करते हैं उसके लिए चॉको चिप्स हो या कोई भी रोस्टेड नट्स हो तो उसमें आप ये लेयर में डाल सकते हो। अभी मैं केक स्पंज के लास्ट लेयर को फ्लिप करके रखूँगी ताकि मुझे डेकोरेशन में ऊपर का हिस्सा फ्लैट मिल जाए। आप भी हमेशा ऊपर वाला जो लेयर है उसको हमेशा उल्टा करके रखो ताकि डेकोरेशन में आपको फ्लैट सरफेस मिल जाए। अभी मैं चॉकलेट गनाश से ही केक की साइड को कवर कर दूँगी ताकि हर एक लेयर, केक का हर एक लेयर चॉकलेट गनाश में सेट हो जाए। एंड इसके बाद इसको मिनिमम 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी ताकि ये प्रॉपरली सेट हो जाए। आफ्टर 30 मिनट्स मैंने केक को बाहर निकाल दिया है एंड उसके ऊपर मैंने क्रीम से फ्रॉस्टिंग कर दिया है। आप चाहो तो केक के ऊपर चॉकलेट गनाश से भी फ्रॉस्टिंग कर सकते हो, बट मेरा ये केक 1/2 किलो का है तो मुझे वो मेंटेन करना है, क्योंकि गनाश का वेट क्रीम से बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर घर में कंज्यूम करना चाहते हो या खुद खाना चाहते हो, तो आप अगर दोस्तों को खिलाना चाहते हो तो आप इजीली उसके ऊपर चॉकलेट गनाश से फ्रॉस्टिंग कर सकते हो। बट अगर आप ये प्रोफेशनली इसको सेल करना चाहते हो एंड इसका वेट आप 1/2 किलो में मेंटेन करना चाहते हो, तो आपको ये क्रीम से ही ऊपर का पोर्शन फ्रॉस्टिंग करना है। मेरा ये केक पिंक कलर का होगा तो मेरा ये केक क्रीम में मैंने पिंक कलर थोड़ा ऐड कर लिया था, और इसको अभी मैं बहुत ही मिनिमम क्रीम से कवर करूँगी, क्योंकि ज़्यादा क्रीम वाला केक किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो बहुत ही जितना क्रीम यूज़ करने से केक अच्छे तरह से कवर हो जाए उतना से ही मैं कवर करूँगी। ये थोड़ा बहुत टेक्निक का काम है, आप जितना घर में प्रैक्टिस करोगे, जितना ट्राई करते रहोगे, उतना आपका हाथ भी स्मूथ होता जाएगा।
तो ऐसे ही मैंने केक को पैलेट नाइफ से बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। अभी इसके ऊपर नोजल से मैं डेकोरेट करूँगी। आप देख सकते हो कि मेरा ये जो नोजल डिज़ाइन है, इसमें से मैं केक के बॉर्डर कर रही हूँ। अभी ऐसे ही मैं इसको ऊपर भी करूँगी एंड दूसरे नोजल से, मेरा स्टार नोजल से मैं दूसरा डिज़ाइन करूँगी। ऐसे आप देखते रहो कि केक का डेकोरेशन मैं कैसे कंप्लीट करती हूँ। आप कोई भी दूसरे डिज़ाइन आप हार्ट शेप में कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट नोजल से। आप बताओ ये वाला डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको ये केक कैसा लग रहा है। अगर आपको ऐसे और डिज़ाइन देखना है, हार शेप में भी आपको और डिज़ाइन वाला केक देखना है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करो। एंड ज़रूर आप ये रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपका केक कैसा हुआ है। अगर किसी को वनीला केक पसंद है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए, तो मैं वनीला केक स्पंज का भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डेकोरेशन के बाद अब ज़रूर केक को हाफ एन आवर के लिए रेफ्रिजरेट कीजिए, उसके बाद डिलीवर कीजिए। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये केक रेडी हो गया है। आप लोगों को ये केक कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मैं लेके आऊँगी दूसरा कोई वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।